हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेज में। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे और तैयारी को अपनी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, दोस्तों आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। कौन सी है दोस्तों? DRDO की। तो DRDO की दोस्तों वैकेंसी आई है, आपके लिए एकदम ज़बरदस्त वैकेंसी है। अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सभी लोग इसको भर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको दोस्तों इसमें एक मतलब मोटा मोटा बता देता हूँ दोस्तों फास्टली, ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। एडवर्टाइजमेंट में नंबर है दोस्तों आपका CAPTAM दोस्तों 10/DRTC। एग्ज़ाम की दोस्तों जो आपको ये वाले एग्ज़ाम की दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की दोस्तों डेट आ चुकी है दोस्तों 3 तारीख से, यानी कि 3 सितंबर से दोस्तों इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों क्लोजिंग डेट है दोस्तों आपकी 23 तारीख। तो कुल मिला के दोस्तों आपको 20 दिन मिलने वाले हैं इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। 1901 वैकेंसी है स्टूडेंट्स। कौन सी वैकेंसी है? 1901 वैकेंसी है। आप सभी लोग अपने उसके हिसाब से भर लेना, ठीक है। और इसमें दोस्तों दो तरीके की पोस्ट है आपकी, टेक्नीशियन असिस्टेंट STA B करके दे रखा है दोस्तों, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B, और दूसरी दे रखी है दोस्तों टेक्नीशियन A। तो दो तरीके के कैटेगराइज कर रखी है इन लोगों ने पोस्ट, और वो अच्छे तरीके से बाकायदा इन्होंने समझा रखा है। ये आपका दोस्तों पूरा एकदम क्या है दोस्तों, नोटिफिकेशन है। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ दोस्तों, दो तरीके की पोस्ट निकली हुई हैं आपकी दोस्तों, STA B करके निकली हुई है एक तो, ठीक है भाई, और एक निकली हुई है दोस्तों आपकी कौन सी, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें ये सही रहेगा, ठीक है, STA B करके। और दोस्तों एक निकली हुई है आपकी टेक्नीशियन A, ठीक है, टेक्नीशियन A करके निकली हुई है। तो इसमें दोस्तों आपका मांगा हुआ है 12th, 10th और ITI, ठीक है भाई, 12th, 10th और ITI, ठीक है। और इसमें मांगा हुआ है दोस्तों आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपके पास में स्टूडेंट्स, मतलब कोई सी भी तरीके की डिग्री हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो तो दोस्तों एग्रीकल्चर में BSc होना चाहिए। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो दोस्तों उसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। तो ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों कैटेगराइज कर रखा है बाकायदा अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोग देख लेना दोस्तों, फिलअप कर लेना, वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त है। एग्ज़ाम का प्रोसेस भी बाकायदा इन्होंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, बस मैं आपको दोस्तों मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। दो तरीके की पोस्ट है ग्रेजुएशन के हिसाब से दोस्तों आपके, ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका फिर आपका डिप्लोमा हो चाहे फिर आपकी दोस्तों आपकी BSc हो, ठीक है ना, जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से भर लेना। और एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों इसका ज़बरदस्त, आपके एग्ज़ाम दोस्तों दो टायर होंगे, Tier 1 Tier 2, ठीक है। Tier 1 में दोस्तों आपका जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं आपके उसके हिसाब से दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और टाइम मिलेगा दोस्तों 90 मिनट का, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। इसी तरीके से दोस्तों जो सेकंड जो आपकी Tier 2 होने वाला है उसमें भी क्या होगा दोस्तों, जो आपका सेकंड Tier 2 होने वाला है तो उसमें भी क्या होने वाला है, जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, 100 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके लिए भी आपको 90 मिनट मिलेंगी, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो। दोनों का दोस्तों सिलेबस सेम है, बस पोस्ट कोड जो दोस्तों आपके दे रखा है क्वालिफिकेशन वो अलग अलग है, ठीक है। 100 रुपये इसकी फ़ीस है मात्र, ठीक है भाई, और क्या नाम है आपको बता दूं मैं दोस्तों, 100 रुपये इसकी फ़ीस है। और निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, याद कर लेना, ठीक है भाई, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। ये देखिएगा दोस्तों सब कुछ दे रखा है इन लोगों ने, ये रहा, ये देख लेगा, ठीक है भाई। और ये इस तरीके का दे रखा है यहाँ पे भी, STA B करके ST और टेक्नीशियन A पोस्ट के लिए। सिलेबस बाकायदा अच्छे तरीके से इन लोगों ने समझा रखा है और एग्ज़ाम सिटी भी बाकायदा इन्होंने दे रखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से दोस्तों फिलअप कर लेना एग्ज़ाम फॉर्म को अच्छे तरीके से, जो भी हो जिस भी तरीके की अगर कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट्स करो फास्ट। और इसका PDF दोस्तों हम प्रोवाइड कराएंगे किस पर? अपने टेलीग्राम चैनल दोस्तों आई पेपर क्लासेस पर, ठीक है भाई। तो फास्टली दोस्तों आप सभी लोग देखिएगा, और रिक्रूटमेंट 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी लोग फिलअप करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, Tier 1 से Tier 2 में जाने के लिए इन्होंने कितने बच्चों को बुलाया गया है दोस्तों, 8 गुना बच्चों को बुला रखा है, ठीक है भाई, 8 गुना बच्चों को बुला रखा है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर कितनी पोस्ट है, 1900 पोस्ट है ना, तो 1958 लगभग दोस्तों आपके इसमें बैठने वाले हैं 15,200 बच्चे, ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका हो सब अच्छे तरीके से। DRDO की वैकेंसी थी आपके लिए आई हुई है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको फिलअप कर लो। तो चलिए कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो, बाकी दोस्तों जो भी हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए दोस्तों बनाएंगे वीडियो, अगर आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से।